के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की खुशबू वो है जिसकी मुंह भेले और जिसका रंग पोशीदा हो गए और औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग भेले और जिसकी मुंह पोशीदा हो गए। इस हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बतलाया कि मर्दाना इत्र भी होता है, जनाना इत्र भी होता है। मर्दों को मर्दाना इत्र लगाना चाहिए, औरतों को जनाना इत्र लगाना चाहिए। मर्दाना इत्र क्या है? हुजूर ने बतलाया कि मर्दाना इत्र वो है जिसकी खुशबू ज्यादा हो, उसमें या तो रंग ही ना हो या मामूली रंग हो। आजकल तो बहुत सारे इत्र ऐसे हैं कि जिनमें कोई रंग होता ही नहीं, लेकिन कुछ इत्र ऐसे भी होते हैं जिसमें रंग होता है, जैसे खस। उसे आप लगा कपड़ों पे लगाओगे तो आपके कपड़े भी क्या हो जाएंगे, हरे हरे, और थोड़ी देर के बाद भी खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएगा खस। तो मर्दाना खुशबू में ये दो चीजें रखनी है कि उसमें या तो रंग ना हो या हल्का रंग हो, मगर उसकी खुशबू क्या होनी चाहिए, तेज। ये है मर्दाना। जनाना खुशबू क्या है? जनाना खुशबू वो खुशबू कहलाती है जिसमें या तो रंग ना हो या रंग हो और खूब रंग हो, दोनों चीजों की इजाजत है, मगर उसकी खुशबू ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, खुशबू हल्की गुलकी हो। इसलिए कि खुशबू एक ऐसी चीज है कि जिसको सूंघने के बाद लगाने वाले की तरफ रगबत होती है, और अल्लाह ताला ने मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर ये कुदरती चीज रखी है कि एक दूसरे की तरफ वो रगबत करते हैं। अब अगर कोई खातून ऐसी खुशबू लगा रही है जिसकी खुशबू बहुत तेजी है और वो लगा के पड़ोस में से गुजर जाए, सड़क पे से गुजर जाए, तो जो गैर महरम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसकी रगबत उस खातून की तरफ होगी, तो उसको इत्र लगाने की इजाजत तो है, मगर हल्की खुशबू वाला इत्र लगाने की इजाजत है। फिर मर्दाना इत्र के सिलसिले में तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मर्दाना खुशबू वो खुशबू कहलाती है जिसकी खूब खूब फैले और रंग या तो ना हो या हल्का। ये भी कायदा कुल्लिया नहीं, ये गर्मियों का है या ऐसे हालात का है जहाँ रहते हुए आदमी को खूब पसीना आता है। अब ऐसे इलाके में आप हल्की खुशबू का इत्र लगाएंगे तो पसीने की खुशबू पर गालिब रहेगी, तो ऐसी जगह आप तेज खुशबू लगाएं ताकि गर्मी में निकलने वाला पसीना उसकी खुशबू दब जाए और खुशबू आम हो जाए, मगर सर्दियों में पसीना नहीं निकलता। तो जब सर्दियों में पसीना नहीं निकलता तो सर्दियों में मर्द को भी तेज खुशबू का इत्र नहीं लगाना चाहिए, हल्की खुशबू का लगाना चाहिए, जैसे उम्र हो गया, जैसे शमामतुल अंबर हो गया, ये सर्दियों के इत्र है। और गर्मियों का इत्र है खस, दूर तक उसकी खुशबू फैलती है। अब सर्दियों में बाहर तालिब इल्म तेज खुशबू वाला गर्मी में जो इत्र लगाते हैं वही लगा लेते हैं, तो पसीने की खुशबू तो है ही, वो खुशबू और ज्यादा फैलती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खुशबू से एलर्जी होती है तो उस खुशबू से उन्हें क्या हो जाएगा, नजला हो जाता है, और हमें मालूम भी नहीं है कि हमारी वजह से किसी आदमी को नजला हुआ है, तकलीफ हुई है। मालूम हो तो हम जाके माफी भी मांग ले, हमें मालूम भी नहीं। इसलिए सर्दियों का इत्र सर्दियों में लगाएं और गर्मियों का इत्र गर्मियों में लगाएं।